भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के इन दिनों हर खबर वायरल हो रही है। आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उसका सरोकार दिनेश लाल यादव निरहुआ से नहीं है, यानी कि इस फोटो में जो कि आपके स्क्रीन पर चल रही है, इस फोटो में दिनेश लाल यादव निरहुआ क्यों नहीं है, जबकि इस फोटो में बीजेपी के प्रचारक पवन सिंह हैं, लेकिन बीजेपी के हारे हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कहीं भी नहीं है। पहले आप ये फोटो देखिए जहां मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह तीनों नजर आ रहे हैं, लेकिन इस फोटो में निरहुआ का ना होना ही इस फोटो के वायरल होने का सबसे बड़ा कारण है। अब धीरे धीरे ही सही, दबी जुबान में ही सही, लेकिन ये बात उभरने लगी है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का ना जीतना ही क्या बीजेपी में उन्हें दरकिनार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भले ही दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं जीते हों, लेकिन उनकी चर्चा हर जगह है। रवि किशन, पवन सिंह और मनोज तिवारी, ये सभी लोग एक जगह जुटे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की 30 तारीख को। इसके लिए सारे कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं। इसमें मनोज तिवारी के साथ साथ रवि किशन हैं, रवि किशन और सनी देओल भी हैं, सभी नजर आएंगे। और यहां एक चीज़ और इंटरेस्टिंग हुई है, आपको यहां ये बता दें कि मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित के पैर छू के आशीर्वाद लिए। आपको यहाँ ये बताना दिलचस्प होगा कि शीला दीक्षित के खिलाफ मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे थे और भारी मतों से जीते भी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।